वेलकम टू द हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की हमारी वीडियो में आप देखेंगे ऐसे 5 ड्रामे जो भी मुख्तलिफ चैनल्स पर नशर किए जा रहे हैं। इन ड्रामास को आप यूट्यूब पर सर्च करके भी देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 5, गुरु। गुरु एक छोटी सी गरीब बस्ती की कहानी है जहां छोटे छोटे घरों में पहले ही बड़ी बड़ी कहानियां चल रही होती हैं। लेकिन इन बड़ी कहानियों की बजाय सबकी नज़र नफरत बोग्स उस मोहल्ले पर है जिसे हम ख्वाजा सरा के नाम से जानते हैं। ड्रामा पहली ही किस्त में कहानी की तरफ बढ़ जाता है। पहले ही सीन में गुरु और उसके चेलों का समाजी और मुआशी पस मंजर दिखा दिया जाता है। कहानी की लंबी चौड़ी तमहीद नहीं बांधी गई बल्कि सादा से दो टोक लफ्जों में बता दिया गया है कि फाका के मियाँ को अब तीसरी बार बेटी नहीं चाहिए वरना वो उसे घर से निकाल देगा। दो जुड़वा बच्चियां पैदा हो जाती हैं जिनमें से एक बच्ची नर्स के तौसत से गुरु की गोद तक आ जाती है। गुरु ने उसकी माँ को तलाश करने की कोशिश भी की मगर नाकाम रहा। मोहल्ले में किसी बेऔलाद जोड़े को भी बच्ची दे दी लेकिन उस औरत को औलाद से ज्यादा अजीज अपने साबिका मोहब्बत है। वो शोहर के काम पे जाने के बाद उसी पुराने महबूब से फोन पे गिले शिकवे करने में मसरूफ रहती है। ऐसे में वो माँ का मनसब कैसे संभाल सकती थी। गुरु को मरियम यानी उस बच्ची से इश्क हो गया था। उसके इश्क की केमिस्ट्री फिजिक्स बनी और वो रोती बच्ची को वापस घर ले आया। उसने उसे पालने का कबूल करने का और डॉक्टर बनाने का इरादा कर लिया। उसने जिम्मेदारी कबूल कर ली कि कोई भी इंसान हो बस एक मजबूत इरादा ही करना होता है और वो दुनिया के तूफान झेलने के काबिल हो जाता है। कहानी जो एक एधी के झूले पे खत्म हो सकती थी वो बस्तियों के मकानों में कभी खत्म नहीं होती। महरूमियाँ ख्वाब ख्वाब जिंदगियाँ और जिंदगियाँ कहानियों को जन्म देती रहती हैं। गुरु के चेलों ने भी उसे समझाया कि वो गलत कर रहा है मगर एक इंसान जब ठान ही ले तो कर ही गुजरता है। वो मुखन्नस सही इंसान है। नंबर 4, रजिया। रजिया माहिरा खान का एक्सप्रेस टीवी पर शुरू होने वाला नया सीरियल है। ड्रामा सीरियल रजिया मुआशरे की हर उस लड़की की कहानी है जिसके पैदा होते ही खानदान की उम्मीदें टूट जाती हैं और उसकी पैदाइश की खुशी भी छीन ली जाती है। ड्रामे का ये मुकालमा ही कहानी का मरकजी ख्याल है। ड्रामा रजिया जिसका शिद्दत से इंतजार था आया और पहली ही किस्त में छा गया। एक थी रजिया से एक है रजिया तक की कहानी को रवायती थिएटर और मौजूदा स्क्रीन के मुश्तरक अंदाज में पेश किया जा रहा है जिसमें रजिया की कहानी दास्तान गो के रूप में मायरा खान सुना रही है। ये कहानी कमोबेश माशरे की हर लड़की की है जिसके पैदा होते ही खानदान की उम्मीदें टूट जाती हैं और बेटी की पैदाइश का पहला हक उसके पैदाइश की खुशी छीन ली जाती है। फिर ये छीना झपटी सारी उम्र चलती है जब तक वो रजिया से रजिया सुल्ताना की तरह खुद घर और बाहर वालों से अपना हक छीन नहीं लेती। लेकिन बेटा पैदा करने की कोशिश मुसलसल जारी रहती है। फिर एक दिन दादी की पहाड़ वाले तावीज और डॉक्टरों की कोशिशों से मिलकर बेटा पैदा हो ही जाता है तो दादी जान खुशी से दुनिया से ही कूच कर जाती है। ले जी बेटा हो गया है और अब रजिया का एक भाई भी है जिसने जमाने में सबसे पहले उसके मुकाबले आना है जिसकी गैरत का दुपट्टा रजिया के पास होगा और वो बाप के बाद उसका दूसरा हाकिम बनेगा। अभी तो पहले ही किस्त है जिसमें बचपन की छोटी छोटी महरूमियों पे इस दास्तान गो ने बात की है। वो कहती है रोना तो अब मेरी रजिया ने है जिसके पैदा होने पे सिर्फ खुदा राजी है। कहानी एक बच्ची की पैदाइश से नौजवानी नौजवानी से जवानी जवानी से शादी और शादी से शोहर शोहर से फिर बेटा होने तक के दायरे की सूरत मुआशरे में लगी मुसलसल ग्रहण सोच को आलूदा चांदनी रात में दिखा रही है और इसके ये धाला भी सात रंगी है। ये सात रंगी हाला मोहसिन अली और उनकी टीम की पेशकश है। मसाइल वही होते हैं, अहम ये है कि उन्हें बयान कैसे किया गया है। तो भाई बयान तो ऐसे किया गया है कि दिल को छू गया। नंबर 3, काबली पुलाव। काबली पुलाव ड्रामा ड्रामाई तकनीक अदाकारी हकीकत निगारी मुआशरे की अक्कासी हर तरह से दाद वसूल कर चुका है और इन चंद ड्रामों में शामिल हो चुका है जो फन का शाहकार होते हैं। बार बिना बुरके में भी अपने फैसलों में आजाद है। मुसन्निफ जफर मिराज ने ये जुमला अपनी फेसबुक वॉल पे लिखा है जिससे साफ जाहिर है कि लिबास फैसला साजी का मोहताज नहीं होता। हालात कैसे भी हों इंसान का किरदार उसकी शनाख्त बनता है। ड्रामा काबली पुलाव की खुशबू सरहदों पार दूर दूर तक फैल चुकी है। जंग और अमन से मुआशरे इंसान खानदान तहजीब नफ्सियात मुआश जिंदगी किस तरह मुतासिर होती है ये समझना हो तो काबली पुलाव का एक एक मुकालमा आपके दिल पर नश्तर का काम करता है। काबली पुलाव ड्रामाई तकनीक अदाकारी हकीकत निगारी मुआशरे की अक्कासी हर तरह से दाद वसूल कर चुका है
और इन चंद ड्रामों में शामिल हो चुका है जो फन का शाहकार होते हैं। शौकत कहानी का मरकजी किरदार अचानक बन जाता है जब एक अफगान महाजिर लड़का मर्दानाई तबलीगी जमात में अपनी बहन के रिश्ते की बात करता है जो बेवा है। शादी के लिए कोई नहीं मानता। वही लड़का एक ठेले पे काबली पुलाव फरोख्त करता है। शौकत व काबली पुलाव बहुत शौक से खाता है। एक दिन लड़का ठेला नहीं लगाता तो शौकत समझाता है कि कारोबार में छुट्टी नहीं होती, क्योंकि शौकत यानी हाजी साहब ने एक सेल्फ मेड इंसान के तौर पर कारोबार की बुनियाद भी रखी और उसको इतनी वुसत दी कि कपड़े के कारोबार में उनका एक नाम एक मकाम बन गया। इसके साथ साथ उसने वालिदैन के बाद सब बहन भाइयों की शादी की, उनके कारोबार सेट किए, गैरों के कारोबार सेट करने में मदद की। जिंदगी के इस मेले में उसे अपनी शादी का वक्त ही नहीं मिला और निसफ सदी गुजर जाने के बाद उसने कारोबार घर बार भी छोटे भाई और उसके खानदान के हवाले किया और खुद तबलीगी जमात के साथ अल्लाह की राह में निकल गया। बाप का इंतकाल उसकी कम उम्र में ही हो गया था। बेवा माँ ने कपड़े सी कर गुजारा किया। उसे अपनी माँ की जवानी का पल पल याद है और वो रोज माँ की कब्र पे जाता है। एक मोहल्लेदार खतून शमीम उससे मोहब्बत करती है, लेकिन शौकत उसे जवानी में ही कह देता है कि वह शादी कर ले, मगर वह उसके इंतजार में शादी नहीं करती। शमीम ने खुद को खुद ही शौकत की बीवी मान लिया हुआ है। ड्रामा हो या जिंदगी, मोहब्बत की जंग में औरत ही तन्हा रह जाती है। नंबर टू, झोंक सरकार। झोंक सरकार शौकत और नूरी की बागी मोहब्बत से शुरू होती है और हवेली के तौसत से मुल्क के आला तरीन अहदों तक की तस्वीर कशी करती है। शौकत और नूरी गांव से भाग जाने की कोशिश करते हैं, मगर इतने बड़े सहराई निजाम से पकड़े जाते हैं। शौकत को झूठी जाहिरी कार्रवाई के तहत जेल की सलाखों के हवाले कर दिया जाता है और नूरी के बागी हुसन पे पीरल साई का दिल आ जाता है और वो उससे शादी कर लेता है, जबकि हवेली में उसकी दो खानदानी बीवियाँ पहले से मौजूद हैं। पहले नूरी इनकार करती है, मगर फिर इस बात पे राजी हो जाती है कि पीरल साई उनके बाप का कर्जा माफ कर देगा और शौकत को रिहा करवा देगा। वो पीरल की बीवी तो बन जाती है, मगर रहती अपने वक्त की जुलेखा ही है। इस सारे किस्से में अरसलान एक आम आदमी का बेटा मुकाबले का इम्तिहान पास करके निजाम का शिकार होते हुए झोंक सियाल में मुलाजमत पर लग जाता है। झोंक सियाल दहशत की अलामत जैसा इलाका है। अरसलान एक मजबूर इंसान ने रूप में अपनी ड्यूटी की जगह का मुआयना किया तो निजाम का आईना उस पर आया हो जाता है। ससी एक गरीब बाप की बेटी है, दूसरे गाँव से एफए किया हुआ है, स्कूल की मुलाजमत के कागज बंद फाइलों में पड़े हैं, स्कूल भी बंद पड़ा है कि हवेली का कानून कहता है ये बागी पैदा करते हैं। ससी पे पीरल के इकलौते बेटे मीरल का दिल आ गया, जिसकी वजह से वो उसके भाई को मुलाजमत वाली अयारी से साथ मिलाकर इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस कारोबार में शामिल करता है। अरसलान खुद इस ऑपरेशन को लीड करता है। उसकी गोली से ससी का भाई मर जाता है। दूसरी तरफ मीरल ने शौकत को मार दिया। नूरी भी जैसे फिरौन की हवेली में मूसा बन के आई है, बाप बेटे की सब बातें सुन लेती है और जाकर ससी को बता देती है। हवेली ससी के भाई की मौत को अरसलान और निजाम के खाते में डालकर अपना मौका पर सराने बाला तक ले जाना चाहती है, मगर ससी सवायत निजाम को अपने एक जुमले से पलट देती है। एएसपी की मदद से स्कूल भी खुल जाता है, ससी पढ़ाने भी लगती है। वो शौकत और नूरी की सारी कहानी भी अरसलान को बता देती है। ये भी बता देती है कि शौकत अपने घर नहीं पहुँचा। जब कुदरत अपना फैसला कर ले तो इंसान बेबस हो जाता है। कहानी भी यहीं तक आ गई है। पीरल साई ने अपनी सी कोशिश कर ली है, मगर अरसलान भी अपनी सच्चाई में डट गया है। मीरल अरसलान से जो रकाबत वो ले बैठा है उसमें अपने ही पैरों पर कुल्हारी मार लेगा। अरसलान जो भी कर रहा है उसकी मुलाजमत का हिस्सा है। अफसरों की जिंदगी में ऐसे वाकयात और इंसान आते ही रहते हैं, मगर ससी के दिल में उसके लिए एक नरम गोशा जरूर पैदा हो गया है। लेकिन अफसर अगर पहली ही पोस्टिंग में फिल्मी सीन बना लेगा तो फिर अगली सारी जिंदगी मुश्किल हो जाती है। अरसलान अपने काम से झोंक सियाल की दहशत को कम करने और पुलिस के निजाम को बेहतर करने में जरूर कामयाब दिखाई देगा और वक्त साबित करेगा जिसने काम करना है मुश्किल जगह और जबरी पोस्टिंग में भी कर जाना है। अरसलान का किरदार एक तरफ पुलिस के निजाम में मौजूद मुश्किलात दिखा रहा है तो दूसरी तरफ इस निजाम की खामियां भी देखी जा सकती हैं। नूरी जैसे जैसे पीरल साए पे खुल रही है वो उसकी जहानत से मुतासिर होने लगा है। जहानत का हुसन से बड़ा नशा है, मगर ये वही जाने जिसने किया हो। पीरल अपने बुढ़ापे के इश्क से मारा जाएगा क्योंकि नूरी से किए गए वादे में साजिश हो गई है और तारीख गवाह है। औरत अगर इंतकाम पे आ जाए तो सल्तनतें रेत हो जाती हैं। नंबर वन, जिंदो। जिंदो ड्रामे की पहली खसूसियत तो नाजरीन को एक सहराई जंगजू औरत से मुतारिफ करवाना है जो तारीख में तो मिलती है, लेकिन अब उसका मस्बत किरदार बहुत कम दिखाई दे रहा है। जिंदो एक गरीब बाप के कर्ज उतारे में अपने से 20 साल बड़ी उम्र के बख्शू के साथ ब्याह दी जाती है। शादी के वक्त उसकी उम्र 15 साल थी और उसकी माँ एक बेटी छोड़कर मर गई थी।
बाप ने दूसरी शादी की तो दूसरी बीवी भी एक बेटा छोड़कर दुनिया से कूच कर गई। गुर्बत जितनी ज्यादा तारीख होती है अमारत उतनी ही रोशन होती है। एक तरफ ये गरीबों के झोंपड़े हैं तो दूसरी तरफ महल हैं और जिंदों को बेबसी की पहली रात महल में गुजारना पड़ती है। आयाश दाद साईं उसको रेप का निशाना बना देता है। ये ज्यादती जिंदों के दिल का घाव बनकर हमेशा हरी रहती है। उसकी रूह को लगा जख्म कभी ना भर सका। एक आग सी थी जो उसके अंदर जलती रही। उसको बुझाते बुझाते वो एक पीर की सरपरस्ती में घुड़सवारी, निशानाबाजी, बंदूक चलाना सब कुछ सीख गई। साथ ही साथ उसने कई लड़कियों की तरबियत भी कर ली थी जो सब एक जैसे लिबास पहनती हैं। इसलिए इलाके वालों के लिए उनको पहचानना मुश्किल हो गया। जिंदो ने महल के जुल्म के खिलाफ सहरा की रेत को खौफ से कांपने पे मजबूर कर दिया। अब कोई कत्ल होता है तो जिंदो का नाम लिया जाता है। सरकार बीबी जैसे जिंदो का दूसरा रूप है जिसकी दुआ के बारे में मशहूर हो चुका है कि वो जो भी दुआ करती है वो कबूल हो जाती है। एक रोज दाद साईं भी दुआ लेने आ जाता है। दुआ से झोली भर जाती है मगर उनके अंदर का अयाश मर्द बापरदा सरकार बीबी की औरत में फंस जाता है। सरकार बीबी अपना चाकू निकाल लेती है और धमकी देती है कि जिंदो के साथी कहीं उसको भी निशाना न बना दें। लिहाजा दाद साईं को सरकार बीबी का चेहरा देखे बिना वहां से जाना पड़ता है। लगता यही है कि सरकार बीबी और जिंदो एक ही बहादुर औरत के दो रूप हैं जो दाद साईं के जुल्म के खिलाफ पहली बार मुनज्जिम तौर पर उठे हैं। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।